नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने को है, इसी बीच सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जहां अब तक प्रियंका गांधी अकेले ही जमीन पर उतरी हुई थी, किसान आंदोलन में शामिल रहे विभिन्न संगठनों ने जिस तरह से पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कुछ वैसी ही बेचैनी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं में भी देखने लगी है। उन्हें राजनीतिक दलों से ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं। किसान नेता फिलहाल सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों ने टिकैत की भूमिका के सवाल पर सबकी नजर लगी है। टिकैत ने कहा है कि वे आचार संहिता लागू होने के बाद ही आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। उनके सामने कमल और लाल टोपी का विकल्प है। किसान आंदोलन में कुछ समय तक टिकैत के सहयोगी रहे। एक किसान नेता कहते हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा तो योगी ने दी है। कुछ दिन से किसान नेता मुख्यमंत्री योगी के प्रति थोड़ा नरम दिख रहे हैं। सितंबर 2021 में टिकैत भाजपा को यह सलाह दे चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा है। यहाँ पर राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत लगातार सक्रिय रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो पिछले दिनों टिकैत को सियासत का ऑफर दे दिया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अंदर खाते ऐसे प्रयास हुए हैं कि यूपी चुनाव में टिकैत परिवार साथ आ जाए। दूसरे किसान नेताओं से भी संपर्क किया गया है। सीएम योगी को लेकर राकेश टिकैत अब बहुत सोच समझकर बयानबाजी कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनावी रणनीति को लेकर टिकैत ने कहा था वे ना तो कोई चुनाव लड़ेंगे ना ही पार्टी बनाएंगे। उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि यूपी चुनाव में भारतीय किसान यूनियन का रुख क्या रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद ही आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। पिछले दिनों जब अखिलेश यादव के राजनीतिक प्रस्ताव पर टिकैत से आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था वे कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें तो बस किसानों के लिए आंदोलन करना है। लेकिन धीरे धीरे अब नजर आ रहा है कि राकेश टिकैत का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ होता नजर आ रहा है। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या राकेश टिकैत कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं या कौन सी पार्टी का साथ देकर चुनाव में उतरते हैं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।